पॉपुलर शो रहा है इनका, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या इतना लंबा सफर करना? आई थिंक इट वाज लाइक कंप्लीट द बेस्ट थिंग और द एक्चुअली द सोल ऑफ द शो इज माय डियरेस्ट डार्लिंग सर निखिल सर. आई नो हाउ ही फंक्शंस एंड हाउ ही वर्क्स, सो आई गेस वहाँ से वो शुरुआत होती है एंड देन ऑल दीज गाइज आर हर आशीष एंड एवरीबडी आर द हार्ट एंड सोल एंड लाइक एंड द अदर कास्ट मेम्बर्स एंड ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट. तो एक बहुत ही बढ़िया कम्प्लीट शो था जहाँ पे स्टोरी प्लॉट ऑब्वियसली इट्स अ माइथोलॉजिकल शो एंड इट्स लेजेंडरी, इट्स आर मोस्ट फेवरेट. अरे दे टॉक दे हील टॉक दे आस्किंग अबाउट सिया के राम, सो या Hello. Please continue. So yeah, I believe it was a great show and everybody loved watching it. So it's, I think all come together and they're all celebrating. So I could not be a part of it otherwise. So I will see. Party is a party. Yeah. कुछ ये plan था कि party आज धमाल करने वाले कुछ ऐसा कुछ mood में है. आप कैसे questions पूछते हो? Party है धमाल करने. नहीं actually plan तो था घर जाके सोने का पर इसने phone करके बोला बात मत करना मुझसे. तो yeah. आशीष क्या कहोगे तो I can't hear you, sir. It's been a long journey from success. I'll give you a road trip. I'll give you a road trip. हाँ अच्छा लगता है बिकॉज जब आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं उसका अच्छा अंत हो तो अच्छा लगता है और खुशी है कि गर्व है कि एक अच्छे नोट पर एक सक्सेसफुल नोट पर शो खत्म हो रहा है और मेरा मानना ऐसा कि इसी तरह से हमारे टीवी शोज को होना चाहिए जो अच्छे से चलें एक अवधि तक चलें और उसके बाद में खुशी खुशी समाप्त हो जाए. मिस क्या करूँगा, मिस ऑब्वियसली आई विल मिस जो लोग जिस तरह से प्यार देते थे जिस तरह से लोग सम्मान देते थे उसे मिस करूँगा, वरना अगर सच पूछें तो मैं बहुत खुश हूँ वापस घर आके. आप सभी के प्रेम और प्रोत्साहन से आज हम अपने शो की कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन आपके लिए भी है क्योंकि अगर आप लोग हमारे शो को इतना पसंद नहीं करते तो शायद हम अपना शो इतने मन से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं. तो चीयर्स टू एवरीबॉडी, ऑल द ऑडियंसेस, ऑल आवर फैंस एंड फैमिली ऑफ कोर्स. तो जैसे मदिराक्षी आज लास्ट एपिसोड, जैसे आपकी शुरुआत से तो अभी तक कितना मजा आया ये शो में? मज़ा करने का टाइम तो नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे थे और ये जो कैरेक्टर होता है जिस कैरेक्टर इज़ वेरी इमोशनल कैरेक्टर, तो इतना हमें मौका नहीं मिल पाता है कि हम काम कर मस्ती करते जाएं काम के साथ. बट इसलिए आज का जो दिन होता है हम सभी के लिए जिसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो जितनी साल भर हमने मेहनत करी है, जितना साल भर हमने जी तोड़ मेहनत करके अपने शो को ऊपर बढ़ाया है और आज उसी की सारी कज़र निकालेंगे हम. सभी हमारे लोगों से मिलेंगे जो हमारे कास्टिंग के, क्योंकि जब मिथिला चला जाता है अयोध्या आता है तो मिथिला लोगों से मिल नहीं पाते, अयोध्या चला जाता है लंका आ जाता है फिर अयोध्यान से नहीं मिल पाते. तो ऐसे जर्नी में सभी का साथ एक साथ कभी हो नहीं पाया, तो इसलिए आज जब ऐसी जो गेट टुगेदर होती हैं, ऐसी पार्टीज होती हैं, तो हम लोग सबसे मिल सकते हैं एक साथ. तो इतना लंबा सफ़र कटा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी यादें तो होंगी. यादें सारी की सारी बहुत अच्छी हैं जिनके स्मरण हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे और दिस वॉज द फर्स्ट फोटोशूट विच आई एम रिमेम्बरिंग नाउ. काफ़ी चेंज आ गया क्योंकि शी वॉज अ गर्ल एंड जब शो एंड हुआ तो सीता वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी विद ऑल ब्यूटिफुल थाट्स, तो उसको प्ले करना एक बहुत प्रिवलेज की बात होती है एंड आई फील रियली रियली ब्लेस्ड टू प्ले द कैरेक्टर. तो दैट वॉज समथिंग विच आई एम गोना मिस इट क्योंकि इतने सुंदर सुंदर किरदार बहुत कम निभाने को मिलते हैं एंड आई फील दैट आई डिड फुल जस्टिस टू माई कैरेक्टर. सो अभी वही क्वेश्चन हो गए, सीता तो आपने काफ़ी ज्वेलरी टाइप
जी आई एम वेयरिंग कल्कि टुडे. कल्कि ने मेरे लिए ये ड्रेस डिज़ाइन किया है स्पेशली बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्टेड कि अगर जब भी मेरा कोई ऐसा फंक्शन होता है दे ऑलवेज वॉन्टेड कभी भी ऐसा कोई फंक्शन होता है जहाँ पर आई कैन वेयर देयर ब्यूटिफुल कलेक्शन. तो दे सेड यू नो विल मेक अ नाइस रॉयल डिज़ाइन फॉर यू. तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस आफ्टर वेयरिंग दिस. सो थैंक यू कल्कि.